अच्छी है। और ये बच्चों का स्टोर है, यहाँ पे जो टी शर्ट्स है ना, टी शर्ट्स जो मतलब मैं भी पहन, कमोड साफ करने वाला लग्जरी ब्रश, मजे की दुकान है बर्तनों वाली। वैसे मैंने इतना टाइम तो कपड़ों की दुकान में नहीं लगाया जितना टाइम मैंने बर्तनों की दुकान में लगा दिया, मतलब काफी मतलब ये चप्पल इस कदर क्यूट है ना कि लग ही नहीं रही कि वो चप्पल है। अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज यहाँ पे बारिश हो रही है और एकदम प्यारा सा मौसम बना हुआ है और इतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं है। और अभी ये दरख्त देख के ना रात को सही खौफ आता है। अभी बस मैं बस का वेट कर रही हूँ। आज ना यहाँ पे बॉक्सिंग डे स्टार्ट हो गया। बॉक्सिंग डे होता है क्रिसमस के अगले दिन, मतलब आज 26 है तो 26 और शायद तीन चार दिन रहता है कुछ इस तरह का है। तो मैंने कहा यार मैं कनाडा में हूँ तो मैं भी ज़रा चेक करके आती हूँ कि बॉक्सिंग डे की सेल मतलब कैसी होती है और अच्छी ऑफर होती है कि नहीं होती, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगी पसंद आई तो ले भी लूँगी, वरना तो फिलहाल तो खाली विंडो शॉपिंग ले जा रही थी। तो जरूरत नहीं मुझे चीज़ों की और कमरे में ना ही इतनी जगह है कि मैं फजूल चीज़ें ले लेके जमा करती रहूं। पर पता नहीं बस क्यों नहीं आ रही। मतलब कनाडा में ना क्रिसमस के बाद सेल लगती है और 26, 27, 28 खास कर 3 या 4 दिन के लिए लगती है जो बॉक्सिंग डे सेल्स कहते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह के है कि सुना है कि अच्छा डिस्काउंट। तो अभी बस मैं मॉल एंटर हुई हूँ, अब ना मैं थोड़ा सा घूम घूम के देखूँगी कि क्या मतलब कोई अच्छा है भी कि नहीं अच्छा। अब इस तरह इस वाली शॉप पे 80% है तो देखते हैं क्या है। अच्छा तो ये तो दुकान शायद वैसे भी थोड़ी सस्ती है बट इतनी भी नहीं होती नॉर्मली, तो चीज़ें लगी हुई हैं ऑफर में इस तरह सी है। हुडीज़ वगैरह इनके कपड़े अच्छा होता है, $15 की लगी हुई हैं बट ये इतनी वर्थ इट नहीं लग रही। ये मज़े के पूरे पूरे रोम्पर्स। अब जिस तरह से ये वाली जैकेट है इसकी पहले बिफोर अगर नॉर्मल खरीदेंगे तो इतनी है और अभी 80% ऑफ पे $80 की लगी हुई है, तो ये अच्छी जैकेट है। बहुत गर्म है अंदर से, फील हो रहा पकड़ के। तो खैर इस दुकान से निकलते हैं, कुछ मज़े की नहीं है, किसी और जगह चलते हैं वहाँ जाके देखते हैं। नॉर्मली इस वाले मॉल में कोई रश नहीं होता बट आज इधर भी रश है, मतलब लोग चीज़ें खरीदने आए हुए हैं। और वो आगे मनहूस माउंटेन वेयर हाउस पे मेरे जूते पता नहीं गलत भेज दी और अब सही कलर आ ही नहीं रहा। ये सारे इधर शूज़ पे डिस्काउंट लगा हुआ है, उन सभी ब्रांडेड शूज़ हैं और ये थोड़े ज़्यादा सस्ते में दिख रहे हैं तो ये इंडी बुक वगैरह और इन पे डिस्काउंट लगा हुआ है तो, बट इतना अच्छा नहीं लगा हुआ। ये मैं किसी बच्चों के स्टोर में घुस गई थी बट इधर जो कपड़े हैं वो मेरे साइज़ के भी हैं, जिस तरह से ये वाली पैंट्स हैं। तो इसका ऐसा है कि ये जैकेट के कपड़े वाली पैंट है पूरी गर्म मोटी, उसकी ओरिजिनल प्राइस है $75 और 60% डिस्काउंट पे है, तो मतलब आफ्टर डिस्काउंट $30 ख़रीदनी है तो अच्छी है। और ये वाले पजामे भी 60% ऑफ पे, अच्छे गर्म पजामे। और उसके अलावा इधर भी हैं और जैकेट देखनी मेरा साइज़ बड़ा हो गया कि नहीं, वैसे मुझे ये साइज़ आ जाएगा, बहुत बड़ा साइज़ है, याद आएगा मुझे साइज़ बड़े आराम से। और गर्म जैकेट है फुल वाटर रेजिस्टेंट और प्राइस है इसकी $99 प्राइस है, 60% ऑफ है, मतलब $40 की जैकेट बन गई, अच्छी। और ये बच्चों का स्टोर है, यहाँ पे जो टी शर्ट्स है ना, टी शर्ट्स जो मतलब मैं भी पहन सकती हूँ वो वाली टी शर्ट $4-4 की है आफ्टर डिस्काउंट उन पर 70 ये सारी टी शर्ट्स 70% ऑफ पे हैं, तो ये काफ़ी सस्ती हैं, अच्छी हैं, ये वाली शर्ट भी अच्छी है। आज मैं मॉल में दुनिया की सारी दुकानों में घुस गई हूँ जो मैं पहले में जाके नहीं देखा करती थी, मैंने कहा सब में देख लेती हूँ। इधर तो बॉक्सिंग डे से पहले भी सेल लगी हुई थी बट स्टिल जाके एक बार देख लेते हैं। बाय। मुझे इधर दुकानों में ना बस यही चीज़ें मज़े की लगती हैं, ये जिस तरह से ये वाली मफलर है, शॉल है, ये $7 का है, ये वाला जैसा है ये $10 का है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है बट पेपर बहुत सारे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। मैंने सनग्लासेस भी लेनी है बट यहाँ पे ये फुल सपाटरों वाली टाइप सनग्लासेस हैं तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है,
कोई नॉर्मल वाली हो ना तो फिर वो ली जा सकती हैं, ये वाली तो नहीं। ये बर्तनों की दुकान पे अच्छी खासी सेल लगी हुई है 60% अप टू, तो मैंने कहा ये भी देख के आती हूँ ज़रा, तो मामा को दिखा, मतलब मामा देख लेंगी। नाइस ब्रेड। ये सारे मग्स यहाँ पे $3-3 के लगे हुए हैं और ये बहुत क्यूट हैं, और ये सारे क्रिसमस वाले हैं, स्टिल बहुत क्यूट मग्स हैं, सब $3-3 के हैं। ये वाले जोन से हैं, ये यहाँ पे $8-8 के हैं, $12 के हैं, ये $5-5 के हैं। और ये ट्रॉली, ग्रॉसरी ट्रॉली, ये भी काफ़ी सस्ती लगी हुई, अच्छी बड़े साइज वाली $30 की। बच्चे ये मैट है पड़ा हुआ, और ये मैट भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छी क्वालिटी का मैट है। और ये ब्लेंडर श्लेंडर जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ये आंटियाँ ने देख के बड़ा खुश होनी मेरी वीडियो। ये पता नहीं कौन सी है, कॉफ़ी मशीन से शायद, हाँ ठीक है, $700 की। और ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, टोस्टर और ये सब कुछ, रोटी मेकर देखने ढूंढना चाह रही हूँ मैं, रोटी मेकर नज़र नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये वाला कुकर जिसने ख़रीदा उसके लिए अच्छा है, $30 ऑफ। हाई लो, इतना क्यूट पैन, छोटा सा, अच्छी क्वालिटी का, $10 का पड़ा हुआ, क्यूट है बहुत, अच्छा लगा मुझे। ये भी अच्छे लगे हुए हैं, स्पैटुलाज और ब्रशेस और ये सब कुछ। मुझे ना पानी की बॉटल लेनी है, तो मैं वो देखूँगी कि वो किधर से मिलेगी, तो पानी की बॉटल देखते हैं। ये गिफ्ट पैक्स बने हुए हैं इस तरह से, ये इस तरह से, कमोड साफ करने वाला लग्जरी ब्रश खुद बहुत बंद हो जाएगा। और अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं डेकोरेट करने वाली, वॉशरूम सेट करने वाली, प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैंने इस तरह की कोई चीज़ लेनी है अपने कमरे के लिए और स्टोरेज के लिए ना, मतलब जिस तरह इसमें भी बहुत स्पेस है, बट वो प्लास्टिक का लेना चाह रही हूँ मैं, ये वाला नहीं, और थोड़ा सस्ता लेना चाह रही हूँ, इतना महंगा नहीं, क्योंकि चीज़ कमरे में रखनी है तो मैं इतना महंगा क्यों लूँ। अभी बस तो मैं एक जगह मैंने देखी हुई है, वहाँ भी, हाँ ही है करीब में, वहाँ जाके देखूँगी। ये तो शू रैक है शायद, दिस इज नाइस। आके शुरू में मैंने ये बहुत देखा था अलमारी में लटकाने के लिए, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं, आई थिंक अभी अलमारी में मेरी चीज़ें वैसे ही आ गई हैं पूरी। और ये सारी काफ़ी मज़े की दुकान है बर्तनों वाली, वैसे मैंने इतना टाइम तो कपड़ों की दुकान में नहीं लगाया जितना टाइम मैंने बर्तनों की दुकान में लगा दिए, मतलब काफ़ी मज़े की चीज़ें लग रही हैं मुझे। जिस तरह से ये कटिंग बोर्ड अलग अलग, चिकन का अलग, फ्रूट्स का अलग, वेजिटेबल्स का अलग, मछली का अलग, हाँ इस तरह से बना हुआ, तो बहुत क्यूट चीज़ है किचन में रखने के लिए, कितनी प्यारी लग रही है। और ये भी इसी तरह कटिंग बोर्ड है किचन में, बड़ा अच्छा लगे। ये सारी चीज़ें मुझे ना वो लेना है, वाटर बॉटल लेनी है, तो मैं देखूँ वो मुझे नज़र आ जाना तो मैं वो ले लूँगी यहाँ से, बट वो मुझे फ़िलहाल नज़र आ नहीं रही। ये किचन का मैट है, ये भी अच्छा लग रहा है। वेट मशीन, ये तो खाने का वेट करने वाली मशीन है, कोई वेट मशीन हो ना इंसान का वेट करने वाली, मुझे वो चेक करनी है, अपना वेट चेक करना है। ये इतने क्यूट क्यूट हैं, इंसुलेटेड लंच बैग्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर गर्म खाना गर्म रहेगा, ठंडा खाना ठंडा रहेगा, तो इस तरह के कूल बैग्स टाइप, कूल एंड हॉट बैग्स टाइप के हैं, तो ये बड़े मज़े के हैं। यार सच्ची बता रही हूँ, बर्तनों वाली दुकान ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी है। मुझे बॉटल लेनी है अपने लिए, बट ये यहाँ पे बहुत फैंसी किस्म की बॉटल्स हैं, तो मैं इतनी फैंसी किस्म की बॉटल नहीं लेनी, मैंने नॉर्मल लेनी है, स्टील की नहीं लेनी कि ज़मीन पे गिरे और धमाका हो जाए, नहीं ऐसी नहीं लेनी, थोड़ी नॉर्मल टाइप की बॉटल्स लूँगी। और ये बाथ एंड बॉडी वर्क से मैंने एक ली है यहाँ पर, और यहाँ पर लाइन बहुत लंबी है, बट अब ले लिया है तो मैं भी लग गई हूँ लाइन में, ये सारी लाइन है। और अभी थोड़ा सा वेट, मुझे लगता है 5 मिनट में आ जाएगी बारी, ठीक कहा था मैंने, 5 मिनट लगे हैं और अभी मेरी बारी बस आ गई है भाई। मैंने अपना ले लिया और यहाँ आधी दुनिया तो बाथ एंड बॉडी वर्क्स ही आई हुई है, बहुत रश है।
मैं कल मामा को लगी हुई थी कि मुझे कुछ और खास चीज देने का शौक नहीं है, बट अगर मुझे नोज रिंग नजर आई ना तो मैं किसी ऑफर में इसमें वो लूँगी। तो अभी ना मैं कोई ज्वेलरी की शॉप भी देखती हूँ कि मैं एक शॉप में आई थी और ये यहाँ पे जूतियाँ हैं, ठीक है, जूता है, चप्पल है। ये चप्पल इस कदर क्यूट है ना कि लग ही नहीं रही कि वो चप्पल है। इसकी प्राइस देखते हैं क्या है, $35 है, 50% ऑफ है, मतलब अराउंड $17। तो बहुत क्यूट चप्पल है, मतलब मुझे दिख दिख के ना समझ नहीं आ रही ये भी चप्पल है और ये भी चप्पल है। इतनी क्यूट चप्पल, लाइक ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी है, इतनी क्यूट चप्पल, इतनी इनोसेंट चप्पल, मतलब आप पहन के चल रहे हो तो कोई बच्चा हो घर में उसका लगे टॉयस पहने हुए। ये मैंने कैनेडियन टायर पे एक रैक देखा था रूम में रखने के लिए, तो मैं वो देखने जा रही हूँ। रात को मैं देख रही थी कि कोई ऑफर वगैरह लगी है, तो मैंने कहा वो देखती हूँ जाके स्टोरेज के काम आ जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज़ खरीदी नहीं है अपने कमरे के लिए ना, मतलब सेट करने के लिए कुछ भी। मैंने बस लफाफों में चीज़ें डाली हुई हैं और वो इस तरह ही बिखरी हुई हैं। तो फिर मेरे पुराने रजिस्टर्स वगैरह भी थे और चीज़ों का बड़ा गंद मचा हुआ था, तो मैंने कहा यार फेसबुक मार्केट प्लेस से सेकेंड हैंड भी उतने का ही आ रहा है और जो नई चीज़ आ रही है वो भी उतने की आ रही है, तो ज़रा यहाँ जाके चेक कर लेती हूँ। रात को मैं ऑनलाइन देख रही थी तो आ रही थी, आ रही है 6:30 हुए और ये बंद हो गया है। मतलब मॉल से निकल आई हूँ, मॉल से निकल के ना मुझे ग्रॉसरी करनी थी तो बस मैं उधर आई हूँ फूड बेसिक्स, जो चीज़ें खरीदनी है वो देखती हूँ। नए फूड बेसिक्स पे आई हूँ, मैंने लोकेशन लगाई तो जो सबसे करीब आ रहा था वो ये था, तो मैं बैठ के बस इधर आ गई। अब देख काफ़ी बड़ा लग रहा है, अब ये बंद ना हो बस। अरे मेरे साथ प्रैंक हो गया, यहाँ मैं आई थी फूड बेसिक्स, फूड बेसिक्स बंद है और अभी यहाँ पे बस नहीं आ रही, तो अब ये शुक्र है सामने टिम हॉर्टन्स है तो यहाँ जाके बैठ जाती हूँ और जब तक बस नहीं आती और क्या कर सकते हैं, फोन में बैटरी भी कम है। टिम हॉर्टन में आ गई हूँ, मैंने ये कप केक लिया और इस पे चोको चिप्स, इस कदर सेटिस्फाइंग लग रही है ना लगी हुई है, एकदम फ्रेश लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद खा रही हूँ कप केक में, और अभी बस कप केक खाती हूँ और उसके बाद दोबारा बस का टाइम देखती हूँ, फिर तब तक शायद बस आ जाएगी। हर चीज़ 5 बजे बंद हो गई है आज, जहाँ पे लिखा हुआ है मॉल में दुकानें 9 बजे तक खुली हुई थी, ठीक है, खाली, वरना हर चीज़ हर ग्रॉसरी वाली शॉप बंद हो चुकी हुई है। और गलती की, मुझे पहले पता नहीं था, पता होता तो यूँ फवार नहीं हो रही थी सड़कों पर, अब सामने डॉल रहा है वहाँ तक चली जाती हूँ जब तक बस नहीं आती। और अजीब है यार, ये सब कुछ इतनी जल्दी बंद कर देते हैं, इन्होंने दुकानें खोली क्यों हुई हैं जब 5 बजे बंद करनी है तब तो।